नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। एक तरफ जहां देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोरोना महामारी के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सरकार द्वारा बार बार मास्क लगाने और फिजिकल दूरी बनाने की जनता को सलाह दी जा रही है, वहीं शिवघाट बैराज में अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे भ्रष्टाचार रूपी काम में वहां के मजदूरों को ना तो मास्क की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहां तक कि धारा 144 लगने के बाद भी वहां पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई मजदूर कोरोना की चपेट में आते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जल संसाधन विभाग के अधिकारी या फिर ठेकेदार? आइए देखते हैं इस पे हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर के शिवघाट बैराज में कोरोना महामारी के समय भी ठेकेदार द्वारा बाहर से लाकर मजदूरों से बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर सैकड़ों की संख्या में रात दिन 24 घंटे काम कराया जा रहा है। यदि कोई भी मजदूर कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसकी वजह से जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं सबके सब कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन ना ही इसके बारे में जल संसाधन विभाग का कोई अधिकारी और ना ही ठेकेदार सुनील अग्रवाल सोच रहे हैं। मुख्य अभियंता अजय सोमावार और ठेकेदार सुनील अग्रवाल की इस भ्रष्ट जोड़ी ने तो भ्रष्टाचार करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिवघाट बैराज में जहां डायग्राम वॉल के द्वारा काम कराया जा रहा है, उसका ना तो आज तक टेंडर हुआ है और ना ही शासन से किसी प्रकार की स्वीकृति का आदेश आया है, लेकिन मुख्य अभियंता के पद और पावर का दुरुपयोग कराकर ठेकेदार सुनील अग्रवाल द्वारा टाइप संवाद डालने का काम जोरों से चल रहा है। और जिस टाइप वालों को जमीन के अंदर 13 मीटर तक जाना चाहिए, वहां मात्र 6 या 7 मीटर ही अंदर डाला जा रहा है, वह भी रात के अंधेरे में। इस प्रकार ठेकेदार और मुख्य अभियंता अजय सोमवार की मिलीभगत से शिवघाट बैराज में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। जय हिंद छत्तीसगढ़। मैं कुछ दिन पहले ही गई थी बिलासपुर, शिवघाट बैराज में जो काम चल रहा है, और उसी को मुझे पता चला था कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि काफ़ी भ्रष्टाचार मचा है। मैं छत्तीसगढ़ की आम जनता होने के नाते वहाँ पर जब मैं गई, मैंने जो देखा, जब मैं गई वहाँ अधिकारी बैठे हुए थे, चेयर लगाए, मैं गई साइट विजिट की, और जब मैं लौट के आई साइट विजिट में मैंने पाया कि वहाँ पर सैकड़ों लेबर बिना मास्क के। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट होके ही काम करते हैं। इवन ये तक भी देखा कि एक बच्चे के पैर में लोहा गिरा जिससे उसका अंगूठा कट गया, उसका प्राइमरी उपचार कुछ भी नहीं, उसके पैर में धूल डाल दी गई। जब मैं उधर से लौट के आई, मैंने सोचा मैं अधिकारियों से बात करूँगी, तो सारे अधिकारी नदारद सब वहाँ से निकल गए। क्यों निकल गए नहीं पता। फिर मैं 4 घंटे बैठी थी, तो 4 घंटे बैठे रहने के बाद कोई भी अधिकारी वापस नहीं आया, जबकि नियम के मुताबिक सरकारी प्रोजेक्ट में 4 से 5 जवाबदार लोगों को बैठना है वहाँ पर। फ़ोन लगाने पर SDO साहब ने, शुक्ला साहब ने, सोमावार जी ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। और इस तरह से जो हरकतें वो कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो जो काम चल रहा है उस नदी पर, पूरी की पूरी तरह से सुनील अग्रवाल के सिकंजे में कसा हुआ है पूरा प्रशासन तंत्र, पूरे से पूरा विभाग मिला हुआ है भ्रष्टाचार की। और सोमावार जी और सुनील अग्रवाल जो है ठेकेदार, ये लोग तो मिलजुल के भ्रष्टाचार करते ही हैं, इनका तो रिकॉर्ड ही रहता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, सवाल पूछो तो सवाल गायब हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनके पास किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि सोमावार जी ने कहा कि वो इस परियोजना के लिए जो है योजना थी, इस पर इन्होंने वो किया है, प्रस्ताव भेजा है, लेकिन प्रस्ताव पारित होके नहीं आया। इन्होंने खुद स्वीकारा है कि अभी सरकारी आदेश आया नहीं। अगर आदेश नहीं आया तो काम किसके आधार पर शुरू हुआ, किस आधार पर, इतनी जल्दी क्या? जैसे वहाँ पर जो चल रहा है, वहाँ पर अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो जवाबदेही किसकी? सैकड़ों लेबर साथ में है, किसी एक को अगर हो गया कोरोना तो सैकड़ों लोगों को हो सकता है, वहाँ पर मौतें हो सकती हैं कोरोना से, तो जवाबदेही किसकी? सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है सरकार, ख़त्म। सरकार 144 धारा की बात करती है, वो वहाँ बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। पैंडेमिक एक्ट क्या है वो वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं है। मतलब सारा सिस्टम जो है बिलासपुर का वो कौन चला रहा है? सुनील चला रहा है। सुनील अग्रवाल जो ठेकेदार है वो चला रहा है। अधिकारी पूरे मिले हुए हैं। सोमावार जी की तो खुद की जांच चल रही है जाति की, उसके बाद भी प्रमोशन हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, इस तरह की हरकत है। मैंने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा कि वहाँ के जो शैलेश पांडे विधायक हैं बिलासपुर के, उन्होंने कहा हाँ मेरे संज्ञान में आया था, मैं वहाँ पर गया था, मैंने विजिट किया। अरे विजिट में आप क्या निकाले भाई,
आप विजिट में थे तो आपको नहीं दिखा कि वहाँ पर इतने सैकड़ों लोग हैं, वहाँ पर मास्क नहीं है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? आपने क्यों सवाल नहीं उठाए? क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत तो शैलेश पांडे जी से नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ झूठ बोलने में माहिर हैं। वो जब शिक्षा के मंदिर को बेच दिए, लोगों को डिग्रियां बेच सकते हैं जिस कॉलेज में थे वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा उनसे हमको शिकायत नहीं है क्योंकि हम उनकी आदतों से वाकिफ़ हैं। अच्छा, उनकी आप हिम्मत तो देखिए कि एक मीडिया चैनल में बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने तो विधानसभा में ये बात उठाई है। आपने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि शिवघाट बैराज और अरपा नदी में जो काम चल रहा है उसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा? आपने ये नहीं उठाया कि डायफ्राम वॉल से होगा कि कट ऑफ वॉल से होगा, टेंडर होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ? किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जब उनके अधिकारियों को नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अनुमानित लागत कितनी है वो नहीं पता है। तो इसलिए शैलेश पांडे जी झूठ बोलने में माहिर है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बिलासपुर का पूरा प्रशासन तंत्र मिला हुआ है, पूरा, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उस घाटी पर, उस जगह पर जो काम हो रहा है। दुख की बात यह कि कल अगर ये डैमेज होता है, पूरा बिलासपुर में पानी पानी हो जाएगा, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि टेंडर तो निकला नहीं है, तो सरकार तो हाथ खड़ा कर देगी। सुनील अग्रवाल नदारद हैं, भाग जाएंगे, उनका क्या है, पासपोर्ट बना ही होगा, निकल लेंगे दूसरे देश। इस देश में यही तो होता आया है तब से, आज 70 सालों में, कि जिसके ऊपर आरोप होते हैं वो देश छोड़ देता है। तो ये थी जल संसाधन विभाग से जुड़ी बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।